Hello children, Ravi Sagar. Dear children, today we shall discuss the sermon at Banaras, the unit number 10 in the first block. The NCERT index spoken English for class 10. Children, before we proceed with the unit, let's try to understand what the unit is about. Children, it's about the first sermon, that is a religious discourse or a preaching that Gautam Buddha delivered at Banaras about 2500 years ago. यानी ये यूनिट गौतम बुद्ध के उस पहले धार्मिक प्रवचन के बारे में है जो उन्होंने आज से 2500 साल पहले बनारस में दिया था. अब के इस फर्स्ट सर्मन, सबसे पहले प्रवचन में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, किस सिचुएशन में ये पहला प्रवचन दिया गया था, ये जानने के लिए लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू गौतम बुद्ध एज गिवन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द यूनिट. चिल्ड्रन, इट इज बिलीव दैट गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC बिफोर क्राइस्ट in Lumbini, presently located in Nepal. Gautam Buddha ka janm 563 Isa Purva Lumbini mein hua tha, jo aaj ke samay mein Nepal mein hai. He was born as Siddharth Gautama in a royal family. Unka janm Siddharth Gautam ke naam se ek rajgharane mein hua tha. His father's name was Suddhodhan. उनके पिता का नाम सुद्धोधन था and his mother's name was Maya Devi. और उनकी माता का नाम माया देवी था. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया था. 4 years later, he returned home and married a princess named Yashoda. 4 साल बाद जब वे गुरुकुल से वापस आए तो उनकी शादी यशोद्रा नाम की राजकुमारी से हो गई. They had a son, उनको एक बेटा भी हुआ and और they had lived for 10 years as befitted royalty. 10 साल तक एक राजघराने को शोभा दे, एक राज परिवार को शोभा दे, उस प्रकार वे रहे. Till the age of 25, 25 साल की उम्र तक सिद्धार्थ was shielded from all the sufferings of the world. सिद्धार्थ को दुनिया के सभी दुखों से बचाकर रखा गया था. बट लेकिन वन डे, एक दिन वेन ही वेंट आउट फॉर हंटिंग, जब वे शिकार के लिए बाहर निकले थे, ही चांस्ड अपॉन एन एजेड मैन, देन अ सिक मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति और फिर एक स्मशान यात्रा पर पड़ी. जब सिद्धार्थ ने उनके रथ चलाने वाले चैरियटियर से पूछा कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो चैरियटियर ने जवाब दिया कि एक ना एक दिन हम सभी का यही हाल होना है. उसके बाद उनकी नजर एक मॉन्क, एक सन्यासी पर पड़ी जो अपने ही धुन में चला जा रहा था. पूछने पर चैरियटियर ने कहा कि वो एक सन्यासी है जिसे अब जीवन के सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं है. दिस साइट सो मूविंग, ये दृश्य उनके दिल को इतना छू गए कि एट वंस तुरंत ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. Concerning the sorrows he had witnessed. देखे हुए उन दुखों के विषय में आत्मज्ञान पाने के लिए वे घर छोड़कर निकल पड़े.
ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वे यूं ही यहां से वहां भटकते रहे. देन फिर फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री इन गया इन मेडिटेशन फॉर 7 days. फॉर हाउ मेनी डेज? 7 days. 7 दिनों तक वे गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए. वेल, जहां ही गॉट आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस अबाउट द सॉरोस ऑफ लाइफ. जीवन को, जीवन के दुखों को लेकर उनके जो भी सवाल थे, उन सारे सवाल के जवाब उन्हें वहां मिल गए. Since he got enlightenment, that is wisdom, under the peepal tree, he renamed it as Bodhi tree. उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसीलिए उस पेड़ को बोधि वृक्ष का नाम दिया. And or he began to be known as Buddha. वे बुद्ध के नाम से पहचाने जाने लगे. एंड व्हाट डज बुद्धा मीन? बुद्धा मींस द अवेकनिंग, द एनलाइटनमेंट, यानी जो जाग चुका हो, ज्ञान प्राप्त कर चुका हो. नाउ दिस बुद्धा, गौतम बुद्धा प्रीच His first sermon at the city of Banaras on the bank of the holy Ganga river. अब इन बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे बनारस के शहर में दिया. और अब आप पूछोगे कि सबसे पहला प्रवचन जो उन्होंने इतने सालों की तपस्या के बाद मेडिटेशन के बाद उन्हें जो मिला, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? What knowledge did he get? Let's see in detail with an illustration. किसा गौतमी only son had died. किसा गौतमी के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. दुख में उसके बेटे के मृत शरीर को उठाकर सभी पड़ोसियों के पास वो ले जाती और उनसे उसके बेटे को जिंदा कर सके ऐसी दवाइयां मांगती. The people say, लोग कहते हैं दैट शी हैज लॉस्ट द सेंसेस, कि वो पागल हो चुकी है. द बॉय इज डेड, लड़का तो मर चुका है. किसा गॉट मी मैट अ मैन, किसा गॉट मी एक आदमी से मिली हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जिसने किसा गॉट मी की विनती के जवाब में कहा, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, बट लेकिन आई नो फिजिशियन हु कैन मेक वेल, डॉक्टर को जानता हूं जो ये कर सकता है. किसा गौतम से, किसा गौतम ने कहा, प्रे चल सर कोई से मेहरबानी करके मुझे कहो कि वो कौन है. द मैन रिप्लाई, उस आदमी ने कहा, जवाब दिया, Go to Shakyamuni, the Buddha. तुम Shakyamuni, बुद्ध के पास जाओ. बच्चों, बुद्धा को Shakyamuni भी कहा जाता था और है, right? Okay. Then कि उसने कहा कि तुम Shakyamuni यानी बुद्ध के पास जाओ. उस आदमी ने किसा गौतम को कहा, किसा गौतम ही repair to the Buddha. किसा गौतमी बुद्ध के पास गई एंड से और कहा, लॉर्ड एंड मास्टर,
हे प्रभु मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, मुझे वो दवा दे दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तब बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। बट द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन वो सरसों के बीज मुझे ऐसे घर के घर से चाहिए जहां किसी बच्चे, पति, माँ बाप या किसी मित्र की मृत्यु ना हुई। पुअर किसा बॉग में नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारी किसा बॉग में एक घर से दूसरे घर जाने लगे। पीपल पीटीड हर, लोग उस पर रहम खाते, दया खाते और से और कहते, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के बीज, टेक ले जाओ। बट लेकिन व्हेन शी आस्क्ड, जब वो उनसे पूछती, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर, अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में परिवार में किसी बेटे, बेटी, पिता या माता की मृत्यु हुई है? तो वो कहते, जैसे अलास, अफसोस, द लिविंग ऑफ यू बट द डेड आर मैन, यहां जिंदा लोग कम है लेकिन कई लोग मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, मेहरबानी करके हमें हमारे दुख के बारे में याद ना देना। There was no house, but some beloved one had died. ऐसा एक भी घर नहीं था जहां किसी चहेते व्यक्ति की मौत ना हो। Now, Isabel became weary and hopeless. अब किसाबॉग में थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी। She sat down at the wayside, watching the city lights flickering and extinguishing again. वो सड़क के किनारे बैठ गई और शहर की रोशनी को जलते पूछते हुए देखती रही। She considered the fate of man. वो मनुष्य के नसीब के बारे में सोचने लगी कि even man's life flicker up and is extinguished. मनुष्य के जीवन की रोशनी भी जलती और बुझती रहती है। She thought to herself, वो सोचने लगी, How selfish I am in my grief. मैं अपने स्वार्थ में कितनी उद्गर्ज बन गई थी। Death is common to all. मृत्यु तो सभी को आनी है। The Buddha said, बुद्ध ने कहा, The life in this world is troubled and brief and combined with pain. इस दुनिया में जीवन तकलीफों से भरा हुआ, छोटा सा और वेदना से जुड़ा हुआ है। There is no means by which those who have been born can avoid dying. ऐसा कोई जरिया नहीं जिससे वो लोग जो जन्मे हैं वो मौत को टाल सकें। As all earthen vessels made by the mortal end up in being broken. जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन आखिरकार टूट जाते हैं, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, वही हाल मनुष्य का होता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन है। द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, ये दुनिया मृत्यु और जर्जरता से ग्रस्त है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो समझदार होते हैं वे दुखी नहीं होते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड,
रोने धोने से या दुखी होने से मन की शांति नहीं मिलती। He who sings this should draw out the arrow of lamentation। जिसे भी शांति चाहिए उसे ये विलाप का तीर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वो जो दुख से बाहर निकल आता है वही दुख से मुक्त होकर सुखी रह सकता है। राइट, सो डियर चिल्ड्रन, दैट वाज द फर्स्ट सर्मन डिलीवर्ड बाय लॉर्ड बुद्ध एट बनारस। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड इट थरली। सो दैट्स ऑल इन टुडेस सेशन। See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.